हेलो गाइस, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफिनाइट करियर पे। फ्रेंड्स, अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जिपमर यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी के रिगार्डिंग कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या होंगी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फीस क्या होगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं जो आपको ध्यान में रखना है फॉर्म को फिल करते समय, और क्या क्या बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उन्हें ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे इसमें एडमिशन लेने के लिए, और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या क्या हैं सब कुछ बताऊँगा। तो ज़्यादा जानने के लिए आज का वीडियो पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों, तो मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, अगर इस फॉर्म को फिल करने में कोई डाउट है, ठीक है, या इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप यहाँ पर देखिए टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट्स का लिंक दिया हुआ है। आप यहां जाके सारे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर मैं तो हूं ही, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर से ज़रूर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट्स दिख रही होंगी, और ये जो मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसे पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट में हर चीज़ बताऊँगी, बताऊंगा हर चीज़, लेकिन फिर भी और डिटेल के लिए एक बार आप पढ़ लेना, वरना जितनी इंपॉर्टेंट बातें बताने को तो मैं सब कुछ बता ही रहा हूँ। और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाके अप्लाई भी कर देना, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या है वो भी, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा सब कुछ, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। आपके जो फॉर्म हैं वो 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कल सुबह 11 बजे से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल शाम को 5 बजे। टाइमिंग का ध्यान रखना, शाम को 5 बजे लास्ट रहेगा, क्योंकि कभी कोई कोई नहीं भर पाता किसी कारण से, तो वो बाद में जाता था, आप ध्यान रखना 5 बजे इसकी लास्ट डेट है, 5 बजे के बाद आप नहीं भर पाओगे। हॉल टिकट जो है वो 20 मई को से लेके 2 जून तक आज डाउनलोड होंगे, और मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम भी आपका 2 जून को ही होगा, और रिजल्ट आपका जून के महीने में आएगा। वैसे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन फिर भी जो अभी अनाउंस है वो रिजल्ट के लिए अभी, कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता, जो भी एग्जैक्ट डेट होंगी वो आप लोगों को उनके यहाँ जो वेबसाइट्स हैं आप यहाँ पर जाके चेक करते रहेगा, आप लोगों को वहाँ पर बता दी जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अभी बताया गया वो है 21 जून, 21 जून को आपका रिजल्ट आ सकता है, या इससे इसकी 21 के आसपास ही आपका रिजल्ट आएगा, ये एग्जैक्ट डेट नहीं है। काउंसलिंग आपकी जो है वो 26 जून से स्टार्ट हो जाएगी, बाकी आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं, सारी डेट्स लिखी हुई हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग कब होगी, सेकंड कब होगी, थर्ड कब होगी, फाइनल कब होगी, सारी डेट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वहीं पर बात करूँ कि जो जिपमर है इसके 2 कॉलेजेस हैं, पुडुचेरी और कैरिकल, ठीक है। अगर मैं कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये जो कोर्स है ये 4 ईयर एंड 6 मंथ का है, जिसमें आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी दी जाती है। और वहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं टोटल 200 सीट्स हैं, जिनमें 150 सीटें जिपमर पुडुचेरी के लिए हैं और 50 सीटें जिपमर कैरेकल के लिए हैं। और कैटेगरी वाइज की बात करूँ कि कितनी सीटें किसके लिए रिजर्व हैं, तो यहाँ पर लिस्ट पूरी बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसी के बाद नीचे यहाँ पे देख लीजिए रिजर्वेशन किसको कितना दिया हुआ है, कौन कौन रिजर्वेशन किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, तो आप लोग ये भी पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए तो सबसे पहले जो आपकी एज है, एज आपकी 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए, 31/12/2019 को आपकी एज 17 होनी चाहिए, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2003 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, यानी कि आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2003 के बाद हुआ हो, ठीक है। दूसरी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप 12th या तो पास हो चुके हों या इसी साल 12th में हों, ठीक है। अगर आप 12th का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और 12th में आपके PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो लगभग 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, और जनरल में जो अगर PWD कैटेगरी से हैं जनरल में ही, तो उनके 45% मार्क्स चाहिए, और उसके अलावा और जो कैटेगरी हैं उनके 40% यानी 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और डिटेल के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझाया हुआ है अच्छे से, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया।
अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दे ही दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन ही होगा सब कुछ। अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ देखिए लिखा हुआ सब कुछ, फीस एक बार आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जो फीस है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज़ हैं, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज़ हैं, एनआरआई के लिए 3000 रुपीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी फीस नहीं लगेंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है, ठीक। फोटोग्राफ्स की अगर मैं बात करूँ तो फोटोग्राफ जो है देखिए यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया हुआ है, देखिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, ऐसा फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिनमें फ़ोटोग्राफ जो होगी उसमें आपका नाम होगा और उसमें नीचे डेट होगी, डेट जो है वो 31 जनवरी के बाद की होनी चाहिए, ठीक है, 31 जनवरी की हो या उसके बाद की हो, उसके पहले की ना हो, मतलब पुरानी फ़ोटोज़ नहीं चलेंगी, आपको नई फ़ोटो एक लेनी पड़ेंगी। और ज़्यादा डिटेल की आप हमें पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर भी, जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपके 20 KB से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से आप लोगों को डिटेल में बताया हुआ है, सब कुछ आप लोग यहाँ अगर पढ़ोगे एक बार तो समझ में आ ही जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम के लिए तो आप लोगों को बता ही दिया है ना कि 2 जून को होगा, टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग जो है वो सुबह 2 शिफ्ट में होंगे, तो सुबह जो है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा, और आफ्टरनून में यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो होगा वो 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर वहीं पे मैं बात करूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू आएंगे, टोटल 200 यानी कि 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होंगे, इस तरह से 200 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जो सिलेबस है वो है जो मतलब कि स्टेट बोर्ड के जो हैं उनका सिलेबस या जो सीबीएसई है उसका 11th 12th का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है वही होगा, उसी सिलेबस से आपका यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम्स के लिए लगभग 120 सिटी में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ तीन सिटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, और उन तीनों में से ही आपको कोई ना कोई एक सिटी अलाउ कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें, अब मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या करना है। तो डेट मैंने बताई थी, एग्ज़ाम के टाइम पर आपको लेके क्या जाना है, तो लेके आपको जो हॉल टिकट होगा वो लेके जाना, और उसके साथ साथ आपको कोई ना कोई अपना प्रूफ लेके जाना, वैलिड आईडी प्रूफ में नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ विद फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो हॉल टिकट है और आपका जो ये वैलिड आईडी प्रूफ है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या अलाउ नहीं है, वैसे कुछ भी अलाउ नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए। एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप कोई आंसर गलत करते हो तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, एक चीज़ मैं बताना थोड़ा भूल गया था, ये ऊपर लिखा हुआ है कि आप मतलब कि किस कंडीशन में आपका जो एडमिशन वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कंडीशन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर आपकी जो एज है 17 साल अगर नहीं हो रही होगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, या आपकी जो 12th की मार्कशीट है अगर वो अभी नहीं आई और आपकी बाद में आती है और उसमें आपके जो मार्क्स हैं अगर वो कम पाए जाते हैं और आपका यहाँ एडमिशन हो रहा है, फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। थर्ड केस में है कि अगर आपने जैसे OBC, SC, ST जो भी कैटेगरीज हैं, अगर आपके पास उनके जो डॉक्यूमेंट हैं है ना, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं SC कैटेगरी के, ST के, OBC के, अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये भी ज़रूरी था बताना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो इसी साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब 24 घंटे के अंदर जरूर से जरूर दूंगा।